नमस्कार दोस्तों, हम SSC CHSL 2019 के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 12 अक्टूबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल हुज रेडियस आर 15 एंड 8। बोला है कि दो सर्कल हैं 15 और एक का 15 है और एक का 8 है। अगर इस दोनों सर्कल को मिलाने के बाद एक बड़ा सर्कल बनता है तो इसका रेडियस फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, एरिया इक्वल करूंगा। एरिया इक्वल करने के लिए क्या है, पाई 15 स्क्वायर प्लस पाई 8 स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल और 8, 15, 17 ट्रिपल है तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। मेरे को फाइंड करना है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। या तो आप डायरेक्ट साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू रख सकते हैं या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 22% ऑफ x इक्वल टू 30% ऑफ y देन y रेशियो x इज इक्वल टू। दिया है 22% ऑफ x इक्वल टू 30% ऑफ y। मेरे को क्या चाहिए, y अपॉन x। y को यहीं रहने देता हूँ, x को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा तो 22 यहाँ आ जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 11/15। आंसर क्या हो जाएगा, 11/15, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, यानी कि हमको इसका वैल्यू निकालना है। दिया क्या है, 0.9 माइनस 2.3 माइनस 3.2 माइनस 7.1 माइनस 5.4 माइनस 3.5। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, ये कितना आ जाएगा, 5.4 और 3.5 तो 8.9। तो क्या आ जाएगा, 1.8 आएगा यहाँ पे, वो भी किसका, माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1.8 प्लस 3.2.3 तो कितना आ जाएगा, 4.1 माइनस 3.2, यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.9 और यहाँ 0.9 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 2x plus y equal to 6 and xy equal to 4 then find the value of 8x cube plus y cube। मेरे को इसका वैल्यू फाइंड करना है तो सिंपली मेरे को क्यूब करना है। क्यूब किसका करना है, 2x plus y का क्यूब करना है। तो क्या होगा, 8x cube plus y cube plus 3a into b, उसके बाद आएगा a plus b। अब मेरे को इसका फाइंड करना है और इसकी वैल्यू कितना दी है, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज क्या होगा, x y की वैल्यू कितना दिया है, 4, और ये कितना दिया हुआ है, 6, 4 × 8 दिया 24, तो 24 into 6 plus this, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 144 इधर माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 2 और 72, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 72, 72, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर।
यानी कि मैंने क्या बोला है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टू पैरेलल टेंजेंट बनाने हैं, तो पैरेलल टेंजेंट कब बनेगा, जब एक टेंजेंट यहां से पास हो और एक टेंजेंट यहां से पास हो, यानी कि ये जो है ये क्या आएगा, डायमीटर आएगा, ये भी 8 हो जाएगा, तो 8 8 कितना हो जाएगा 16। 16 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ टू साइड फॉर्मिंग राइट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 21 एंड 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। यानी कि मेरे को क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक 20 दिया हुआ है, एक 21 दिया हुआ है, ठीक है, ये राइट एंगल है, ये कितना आएगा 20 21 29 का ट्रिपलेट है, चाहो तो आप इसको पाइथागोरस से फाइंड आउट कर सकते हो। अब बोला है कि यहां से एक सर्कल गया है, इस सर्कल का मेरे को रेडियस फाइंड करना है, रेडियस क्या होता है, हाइपोटेनस का आधा, रेडियस क्या होगा, हाइपोटेनस का आधा, हाइपोटेनस कितना है 29/2 यानी कि 14.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज बाय वर्किंग 10 आवर अ डे, हाउ मेनी आवर अ डे शुड ही वर्क टू कंप्लीट द टास्क इन 8 डेज। यानी कि क्या होता है, m1 d1 इक्वल टू m2 d2, यहां पे क्या दिया है 12 डेज है और वर्किंग आवर है, तो इसको ऐसे कर दो m1 d1 H1, M2, D2, H2. यहाँ पे M का कुछ रोल नहीं है, D1 और H2 का, यानी कि 12 × 10। और मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी आवर फाइंड करना है, तो डे कितना है 8 आवर फाइंड करना है H2, तो 8 से इसको डिवाइड करूंगा तो 15 आ जाएगा इसका आंसर, H2 की वैल्यू 15, तो 15 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ tan थीटा इक्वल टू 20/21 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin माइनस cos थीटा अपॉन sin प्लस थीटा। जब भी आपको ऐसा दिया हो tan थीटा इज इक्वल टू 20/21, तो tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin का वैल्यू 20 माने, cos का वैल्यू 21 माने, तो sin माइनस cos अपॉन साइन प्लस कॉस कितना आ जाएगा -1/41, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर इन 20 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। देखिए एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन का लंबाई है और ये एक ब्रिज है, तो इस दोनों को ऐड करना है, ये L1 है, ये L2 है, तो हमेशा इसकी भी लंबाई ऐड होती है, तो क्या है यहाँ पे 350 ट्रेन का है और 250 किसका है, ब्रिज का है, और क्या दिया है 20 सेकंड दिया है, ये किसमें आएगा मीटर पर सेकंड में, अब मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है 18/5 किलोमीटर पर सेकंड में, ये कितना आ जाएगा 600/20 × 18/5, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 30 बार कैंसिल, 5 × 30, ठीक है, यहां से कितना आंसर आएगा 18 × 108, तो 108 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When an integer n is divided by 5, the remainder is 3. What is the remainder if 8n is divided by 5? तो इसके लिए कोई एक नंबर मान, सपोज क्या बोला है, n एक इंटीजर है, ठीक है, जिसको अगर किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 बच रहा है, ठीक है, मैं एक नंबर 3 ही एज्यूम किया, जिसको 5 से अगर डिवाइड करता हूँ तो कितना 3 रिमाइंडर बचेगा। अब इसके 8 गुना को डिवाइड करना है, तो 8 दिया 24, अगर 24 को 5 से डिवाइड करो, 5 × 24 आंसर क्या आ जाएगा 4, 4 कौन सा नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सेकंड मेथड है,
एन क्या दिया है 5k+3। अब मेरे को क्या चाहिए 8n, तो 8 से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसको अगर 5 से करूंगा, इसमें तो 5 है ही, यानी ये क्या होगा 8 × 5k + 8 = 24। तो अगर इसको डिवाइड करूंगा 5 से तो इसमें तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या रिमाइंडर। तो हमेशा आपको रिमाइंडर में मल्टीप्लाई कर लेना है और जो भी इसका रिमाइंडर आएगा वो आपको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखिए इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक तो ये हो गया ठीक है और एक ये हो गया है ना। अब इसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपको 5 ठीक है, और यहाँ पर से एक कॉर्ड यह है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, तो ये क्या होगा हमेशा 90 डिग्री होता है क्योंकि ये टेंजेंट है। और ये जो दिया है लार्जर सर्कल का रेडियस कितना दिया है 13, तो ट्रीटमेंट पता है 5, 12, 13, ये कितना हो जाएगा 12, ये भी कितना हो जाएगा 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 24। 24 कौन सा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ द थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल इन सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रायंगल है ठीक है जिसका एक दिया 11, एक दिया है 12, एक दिया है 13 ठीक है, तो इसका सेमी पेरिमीटर क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ के आधा 12 दिया 36, 36 का आधा 18। तो आपको हीरोज फॉर्मूला पता है क्या है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। एस कितना है 18 ठीक है, 18 माइनस 11 करूंगा 7, 18 माइनस 12 करूंगा 6, 18 माइनस 13 करूंगा 5। अब यहां से मैं क्या हूँ, यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, तो 6 बाहर ले देता हूँ ठीक है, यहाँ क्या बच गया 3, यहाँ 7 और यहाँ 5, तो 5 × 7 = 35, 35 दिया 105, आंसर क्या आ जाएगा 6√105 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 years ago the average age of husband, wife and child was 26 years and that of a wife and child 5 years ago was 20 years. The present age of husband is, मेरे husband का present age निकालना है। तीन लोग हैं, कौन-कौन हैं? Husband है, wife है और child है, ठीक है? और इसका 3 years ago कितना है? 26 है। 3 years ago 26 है। तो present age क्या होगा? जितना year एगो है उतना ऐड कर लूंगा तो कितना है 29 ठीक है। अब ये होगा बट अगर सम निकालूं तो ये तो एवरेज है, ये कितना हो जाएगा 29 × 3। सेकंड लाइन क्या बोला है 5 years एगो वाइफ और चाइल्ड का कितना है एवरेज 20 है, तो 5 years एगो 20 है, तो प्रेजेंट एज यानी 5 years बाद क्या हो जाएगा 25, और कितने लोग हैं यहाँ पे 2 लोग, ये इसका आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से डिफरेंस करता हूँ तो ये से वाइफ से वाइफ चाइल्ड से चाइल्ड हस्बैंड आ जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 29 किया 87 और 25 × 50, डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे 37। तो हस्बैंड का जो उम्र है प्रेजेंट उम्र कितना है उसका 37 ईयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 38 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mod x minus 1/x। दिया है x² + 1/x² कितना दिया है 38 दिया है। अगर मैं इससे 2 माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला बन गया x minus 1/x² 36, स्क्वायर उधर करूंगा रूट, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितना आ जाएगा 6, 6 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin x इक्वल टू 12.37 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan x। तो हमको एक ट्रिपलेट पता है 12, 35, 37, चाहो तो आप इसको हाइपोटेनस से यानी कि पाइथागोरस से आप निकाल सकते हैं। साइन क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 12 और ये कितना है 7, तो ये बेस है। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आंसर क्या आएगा 12/35, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ ए सीलिंग फैन इज 3250 एंड द शॉपकीपर अलाउड अ डिस्काउंट 8% ऑन यू, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ फैन। तो इसका मार्क प्राइस कितना दिया है? 3250। ये इसका मार्क प्राइस है, इसमें डिस्काउंट कितना दे रहा है? 8%। तो मैं क्या करूंगा, इसका 8% निकाल लेता हूँ, फिर माइनस कर दूंगा, जो आएगा वो उसका एसपी हो जाएगा। तो 8% के लिए क्या होगा, 0 से 0 है ना, 8 5 या फिर 25 8 200, ठीक है, 8 3 24 और 26 अपॉन 100। तो 8% कितना है? 206। 260 यहाँ से अगर डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस करूंगा तो 2990। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन डिपॉजिट 8000 रुपीस इन अ बैंक व्हिच पे 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट द अमाउंट आफ्टर 8 ईयर। तो मेरे को 8 साल के बाद अमाउंट फाइंड आउट करना है। अगर वो 8% का पर ईयर ब्याज दे रहा है तो 8 साल में कितना हो जाएगा, 64%। अगर कोई 100% प्रिंसिपल है उस पे 64% ब्याज मिल रहा है, ठीक है, और प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है 8000, 8000 का 64% कितना होता है, 8000 का 64% कितना होगा, 512 और 10 यानी कि 5120। आंसर कितना आ जाएगा, 13102, ऑप्शन नंबर सी। ये किसकी वैल्यू है, 64% की, और ये किसका वैल्यू है, 100% का। दोनों को ऐड कर दूंगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर हैड अ लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 7160 रुपीज, एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड द आइटम टू मेक अ प्रॉफिट 30%। इसमें दिया हुआ है कि अगर 7160 में बेचा, 20% का हानि हुआ, यानी कि ये 80% की वैल्यू है। अगर उसको 30% प्रॉफिट चाहिए तो कितना में बेचना पड़ेगा, 120% में। यहाँ से परसेंट कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, आप ही 64, 8 निम्मा 72, बच गए कितना, 4 8 5 40 इंटू 30। 13 से इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 13 5 65 6 बचा 13 निया 113 123 12 कैरी बचा 13 8 104 104 प्लस 12 116। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 79 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर इज 4:7 and that of second number and third number is 4:5, then the second number is, यहाँ पे कोई एक नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है। रेशियो क्या कह दिया है, 4:7 और दिया है 4:5। इस दोनों रेशियो को मर्ज करना है, यहाँ सिंपली मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ क्या करूंगा, 4 लिख दूंगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 16, 7 4 28, 7 5 35, ठीक है। अब क्या बोला है, इस अनुपात में तो डिवाइड हुआ है, ठीक है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 79, और 79 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 79। तो मेरे को सेकंड का निकालना है, तो सेकंड का कितना आ जाएगा, 28। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ द सम ऑफ 2 नंबर इज 11 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 65 देन द सम ऑफ देयर क्यूब्स विल बी। क्या क्या पूछा है, सम ऑफ 2 नंबर दिया है 11, मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है 65, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ये दिया है ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर दिया है 65, ठीक है। और क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही तो चाहिए, उनके घनों का योगफल ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अच्छा इसका क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए प्लस बी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब मेरे को ये भी पता है, ये भी पता है, अगर ए भी मिल जाए ये फाइन हो जाएगा। अब ए भी कैसे निकाल सकता हूँ, इस दोनों का यूज करके यहाँ पर आ जाएगा 2ab इज इक्वल टू इसका स्क्वायर यानी कि 121 माइनस 65, कितना आ जाएगा 6 और 56, यहाँ से ab कितना आ जाएगा 28। अब ये 28 को यहाँ पर पुट कर दूंगा, ये कितना है 65 माइनस 28 इंटू 11, ये कितना है 37 इंटू 11, 37 इंटू 11 कितना आ जाएगा 407, आंसर क्या आ जाएगा 407 है, ऑप्शन नंबर सी। या तो आप यहां से इस दोनों इक्वेशन से आप हिट एंड ट्रायल मेथड से आप गेस कीजिए, अगर मैं यहां पे ए की वैल्यू 4 रखूं और बी की वैल्यू 7 रखूं तो 7 चार 11 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, तो ये क्या होगा इसका सम 65 बन रहा है, यानी कि 4 और 7 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 7 का क्यूब कितना होता है 3, आंसर कितना आ जाएगा 407, या तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बार बार दिया हुआ है ए बी सी डी पर मंथ का डिटेल दिया है, ठीक है, कि कौन कितना सैलरी कमाता है, कितना खर्च करता है, कितना टैक्स पे करता है, कितना सेविंग करता है, तो मेरे को क्या निकालना है, सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी, यानी कि सेविंग अपॉन सैलरी का रेशियो जिसका हाईएस्ट होगा वो बताना है। तो सेविंग अपॉन सैलरी, सबसे पहले मैं बी का निकाल रहा हूँ, तो बी का क्या दिया है, सेविंग कितना दिया है, यहाँ पे सेविंग कौन सा है, ऑरेंज वाला कॉलम है, यानी कि 7500 अपॉन 18000, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 75 अपॉन 18 या फिर चलो लिखिए 7500 अपॉन 18, तो इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा 18 4 72, यानी कि 40% से ऊपर आएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, डी का, अगर डी का निकालना है तो क्या है 6000 अपॉन 16, ये कितना आएगा 16 48 है ना, ये लगभग 37% के आसपास आएगा। उसके बाद सी ऑप्शन का निकालना है, सी ऑप्शन क्या है 5550 अपॉन कितना दिया हुआ है 15, ये कितना आ जाएगा 15 दिया 45, ठीक है 10 बचा 15 70 105, ये एग्जैक्ट 37 बन रहा है। एक लास्ट है ए, ए का कितना बन रहा है ये देख लेते हैं 6000 अपॉन 12000 एग्जैक्ट 50% बन रहा है, तो हाईएस्ट कौन सा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम बार ग्राफ है, पूछा एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी इज लिस्ट फॉर, एक्सपेंडिचर कौन सा है, सॉरी द एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज इज लिस्ट फॉर, लेकिन वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे कम कर, ओके हिंदी में यह है कि वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे कम कर, तो मैं एक टैक्स के उसमें कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी का सही मान के कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं टैक्स का फाइंड करता हूँ तो सी क्या दिया है, यहाँ से सी निकालता हूँ तो 15555 कितना है 550 अपॉन 15 कर देता हूँ, 550 अपॉन 15, तो 15 दिया 45 और इसका एग्जैक्ट कितना आ जाएगा 37। उसके बाद दिया है ऑप्शन ए, ए का देख लेता हूँ तो ए का कितना आ जाएगा 450 अपॉन 12, यही तो है ना, टैक्स यानी कि आप ग्रे वाला बार को देखेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 12 24 12 दिया 36, ठीक है 12 दिया 36 9 बचा है ना
36 9 बचा, 12 सत्ते 84, ठीक है। तो यानी कि 37 से तो ज्यादा ही आएगा, पॉइंट में कुछ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी, बी क्या है, 950 अपॉन कितना दिया हुआ है, 18। तो 18 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 950 को तो कितना आ जाएगा, 18 18 36 74 पंचे, है ना। तो ये 5 पे पहुंच जा रहा है, 52% के आसपास जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, डी कितना है, 600 अपॉन 16, तो 16 32 16 48, तो ये 16 48, ठीक है, 12 बचा, है ना। ये भी 37 से ऊपर ही जाएगा। तो सबसे कम किसका है, सी, यानी कि कौन सा है, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24 क्वेश्चन से पहले आप 25 क्वेश्चन देखिए, वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक कर, यानी कि जो पिछला कैलकुलेशन किया था उसमें सबसे कम कर पूछा था, इसमें सबसे अधिक कर पूछा है, तो अधिक किसका हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, 52%। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक बचत, ठीक है, सबसे अधिक बचत, बचत यानी कि सेविंग, मैं हिंदी को मान के सही कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें सेविंग निकालना है, येलो वाला कॉलम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डी का फाइंड करता हूँ, डी का क्या है, 9400, है ना, 9400 अपॉन 16, 9400 अपॉन 16, तो कितना जाएगा, ये पंचे, है ना, फिर 5 बार में डिवाइड हो रहा है। अब देखते हैं और बी को, यानी कि ए का देख लेते हैं, ए का कितना है, 555/12, कितना आ जाएगा, 555/12, ये तो है ना, ये कितना बार में जा रहा है, 12 44 12 25 60, 4 बार में जा रहा है, ठीक है। अब मैं बी का देख लेता हूँ, बी का क्या है, 9550 अपॉन बी कितना है, 18 है, तो 18 कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना टाइम जाएगा, लगभग 5 टाइम जा रहा है, ठीक है। फिर आ जाएगा सी का 8900 अपॉन 15, तो इसका कितना आ जाएगा, 15 15 15 60 15 75, ये भी 5 टाइम जा रहा है। सबसे कम किसका है, ए, यानी क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये थे आज के 25 क्वेश्चन, कल हम एक नए सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए आपके अपने चैनल मैथ्स बाय चंदू। बाय बाय, टेक केयर।